and welcome you all to Azido Academy. Students, today we are going to discuss a very important topic, types of chemical reaction in the chapter physical and chemical change. Okay, student? So students, first of all, again, I am repeating, what is the chemical reaction? In a chemical reaction, it's the substance known as reactants are converted into a new substance called product. आप लोग कैसे भी कह सकते हो reactant, when reactants reacts with each other, it will form new substance with new properties. This is called the product. ये भी chemical reaction है. Now the students, chemical reaction can be classified into several types based on how products are formed from reactants. So now, some of the important types of chemical reactions are, first, combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and the last one is oxidation and reduction reaction. हम लोग को तो ये पता चल गया स्टूडेंट्स कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, वी ऑल आर नो दैट. ठीक है, बट अब ये केमिकल रिएक्शन का नाम भी होता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी होता है. जैसे कि फर्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है क्या है, कंबसन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, दोस रिएक्शन इन विच टू और मोर substances two or more substances combine to form a single product or single substance are called combination reaction. Okay, student? Combination reaction में reactant क्या होता है student? Suppose the example A plus B, the product will be C. ये तो मुझे हम लोगों को पता ही है कि ये जो LHS में है और this one is the RHS. जो LHS में है उसे हम लोग क्या कहते हैं student? Reactant. So LHS, it's called reactants, and what will be formed? A new substance with new properties are formed. This is C. इसको हम लोग क्या कहेंगे student? Product. That means combination means what? सबसे पहले ये समझना है कि ये जो word है combination, इसका मतलब क्या है? Combination, combine करना, mix-up होना, एक दूसरे से mix हो जाना. तो ए और बी एक दूसरे से मिक्स हो जा रहा है, दोनों एक अलग अलग प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, दोनों एक अलग अलग रॉ मटेरियल है. ये एक दूसरे से जब रिएक्ट करता है तो जो न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज जो फॉर्म होता है वो सिर्फ सिंगल एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है स्टूडेंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो खासियत है, जो स्पेशलाइजेशन है, वो है कि रिएक्टेंट दो हो सकता है, बट उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा स्टूडेंट,
हमेशा वो सिंगल रहेगा, एक रहेगा. तो अगेन जस्ट आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन. दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, मीन्स दो से ज्यादा भी हो सकता है. रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स एक दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, बट प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज सिंगल सब्सटेंस. क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सपोज एग्जाम्पल, 2 mg, ये सॉलिड होता है. स्टेट्स, चेंज इन स्टेट हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 2 mg इसका स्टेट होता है सॉलिड. मैग्नीशियम का किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन क्या है, कौन से स्टेट में पाया जाता है? गैस में पाया जाता है. मैग्नीशियम दिस वन ऑक्सीजन. अब जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करता है, कॉम्बिनेशन, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन. तो क्या फॉर्म हो रहा स्टूडेंट? 2 MgO. कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ. जब मैग्नीशियम एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है या हीट रिएक्ट होता है, तो क्या फॉर्म हो रहा होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम. जब एयर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम को हीट किया जाता है या जलाया जाता है, तो बर्न किया जाता है, तो क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट है. दैट मीन्स ए यहाँ पर मैग्नीशियम हो गया, बी यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया. दोनों का स्टेट अलग अलग है, एक सॉलिड है और एक गैसियस फॉर्म में है. जब ये एक दूसरे से रिएक्ट किया, तो क्या फॉर्म हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका स्टेट क्या होता है स्टूडेंट? सॉलिड होता है. नाउ द नेक्स्ट, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म या टू फॉर्म वॉटर. यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बोथ आर द कौन सा स्टेट में है? बोथ आर द गैसियस स्टेट. अब ये दोनों जब एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या फॉर्म हो रहा है? ये कॉम्बिनेशन आपको हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एरो के ऊपर लिखना है. कॉम्बिनेशन क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स? 2H2O. इसका क्या हो जाता है स्टेट? लिक्विड फॉर्म में हो जाता है. दिस इज वाटर, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन. जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. तो ये क्या हो गया? दो रिएक्टेंट है बट एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ द सेकेंड रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. स्टूडेंट्स, अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? Those reaction in which a compound splits up into two or more simpler substance are known as decomposition reaction. एक चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? पहले हमने क्या पढ़ाया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. उसमें क्या हो रहा था? उसमें हो रहा था A plus B is the product हो रहा था C, but ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ए बी, ए प्लस बी क्या है? इसमें मेरा जो रिएक्टेंट होगा वो सिंगल रहेगा, बट प्रोडक्ट वो स्प्लिट अप हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, मींस टूट जाएगा. ओके, तो क्या है इसका डेफिनेशन? दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड, ये जो ए बी है ये कंपाउंड है जो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, किसी भी एक चीज से ये स्प्लिट अप होके, ब्रेक होके एक से
दो से ज्यादा में ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट. दैट मीन्स इसमें इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट इट्स अ सिंगल कंपाउंड बट आफ्टर स्प्लिट अप इट विल फॉर्म मोर देन टू प्रोडक्ट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अगेन आई एम रिपीटिंग, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आज कैरिड आउट बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. अब ये रिएक्शन किसके थ्रू होता है, कैसे होता है? रिएक्शन होने के लिए हीट का जरूरत होता है, केमिकल रिएक्शन होने के लिए. तो यहाँ पर सिर्फ हीट नहीं, कभी कभी हीट भी होता है, हीट का भी जरूरत. लाइट से भी ये डिकम्पोजिशन होता है, स्प्लिट अप होता है. इलेक्ट्रिसिटी से का भी इसका यूज होता है. ओके स्टूडेंट, एंड दिस हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड एनर्जी. ये क्या प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स? एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड विच ब्रेक्स अ कंपाउंड इंटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड. क्लियर? नाउ द एग्जाम्पल ए बी आफ्टर स्प्लिट अप. सपोज यहां पर अगर हमने हीट लिख दिया, हीट आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस ट्राइंगल शेप में भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स. इसका मतलब भी होता है हीट. ओके, ये सिंबल है हीट का. ओके, तो दिस इज हीट. अब एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. ये एक कंपाउंड हो गया. अब इस कंपाउंड को डिकम्पोजिशन, ये कौन सा रिएक्शन है स्टूडेंट्स? डिकम्पोजिशन. क्या इसमें यूज करेंगे? हीट. अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. डिकम्पोजिशन मीन्स स्प्लिट अप. डिकम्पोजिशन अब क्या फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3. ये कौन सा स्टेट है? सॉलिड. CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है. एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रहा है. अब गैस को तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि इस तरह से भी आप एरो दे सकते हो अपवर्ड की तरह. तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट. ये क्या फॉर्म किया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स ये ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड AgCl. ये कौन से फॉर्म में होता है स्टूडेंट? सॉलिड. इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम? किससे रिएक्ट करेंगे? लाइट के प्रेजेंस में. लाइट के प्रेजेंस में इसको हम स्प्लिट करेंगे, डिकम्पोजिशन. ये हर बार लिखना जरूरी है, जो भी रिएक्शन है उसको लिखना एरो में. तो ये जब डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, पहले वाला क्या था? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो ये फॉर्म कर रहा है सिल्वर सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया सिल्वर क्लोराइड. इसका कलर होता है वाइट. सिल्वर क्लोराइड क्या कलर होता है? वाइट. और फिर ये किस में स्प्लिट अप हो गया, ब्रेक डाउन कर गया? सिल्वर एंड क्लोरीन. ओके, एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सपोज दिस वन इज द वॉटर. इसमें हमने कौन सा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? 2H2 गैस प्लस O2 गैस, दिस वन इज लिक्विड. स्टूडेंट्स
मैंने पहले जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जांपल दिए थे वो जस्ट लुक एट हियर, इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये हम पहले लिख रहे थे और उसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा था, वाटर. डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट क्या हो गया, पहले वाटर, फॉर्म क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों फॉर्म हुआ. तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हम इसको कह सकते हैं. कब कह सकते हैं, जब ये दोनों रिएक्टेंट में आ जाएगा और ये जब प्रोडक्ट में चला जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब ये डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जगह को चेंज करना, प्लेस प्लेस को चेंज करना. ओके, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सपोज एग्जाम्पल, ए प्लस बी सी, आफ्टर रिएक्शन इट विल फॉर्म ए सी प्लस बी. किसने जगह चेंज किया? सी ने जगह चेंज किया. कहाँ चेंज किया, कहाँ पर आ गया, ए के पास आ गया. इन जनरल हम इसको ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अ मोर रिएक्टिव, ये हो गया ए, हो गया मोर रिएक्टिव. अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड. ये थोड़ा सा वीक है, तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या किया, सी को अपने तरफ खींच लिया. तो क्या हुआ, चेंज, अपने जगह को किसने चेंज किया, ये सी अपने जगह को चेंज किया. तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया स्टूडेंट, ए सी, और बी क्या हो गया, अलग हो गया. जैसे कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये जिंक जो है ये कॉपर सल्फेट से, कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो उसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया स्टूडेंट, जिंक सल्फेट और कॉपर निकल गया. सो कॉपर सल्फेट, ये ऑलवेज इट्स, इसका जो सॉल्यूशन है एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म, इसका जो कलर होता है स्टूडेंट्स, ये ऑलवेज ब्लू कलर का होता है. कॉपर सल्फेट ऑलवेज ब्लू कलर, जिंक सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपर सल्फेट CuSO4, दिस इज एक्वा, रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम, ये सॉलिड है. क्या फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट, मैग्नीशियम सल्फेट, एक्वा, और कौन बाहर चला जाएगा, कॉपर. ये कॉपर बार बार क्यों बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम, जिंक, दिस ऑल आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो दैट्स व्हाई ये सल्फेट को क्या कर रहा है, ये सल्फर सल्फेट अपना प्लेस को चेंज कर रहा है, एंड देन इट विल फॉर्म द न्यू कंपाउंड मैग्नीशियम सल्फेट. नाउ द नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट्स बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स, कुछ भी बोल सकते, और ग्रुप्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मीन्स यहाँ पर दो कंपाउंड, दोनों कंपाउंड ही अपना आयंस को चेंज करता है, एलिमेंट्स को चेंज कर रहा है, ग्रुप्स, चाहे आप कुछ भी बोलिए, फिर बोथ आर फॉर्म इट विल अ न्यू प्रोडक्ट, दिस इज न्यू प्रोडक्ट. ओके, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पर डिस्प्लेस किसका हो रहा है, दोनों का हो रहा है. दोनों कंपाउंड एक दूसरे से अपना आयंस को, एलिमेंट्स को, या ग्रुप्स, कुछ भी कीजिए, इसको एक्सचेंज कर रहा है, इसीलिए से हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं स्टूडेंट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये कौन से स्टेट में है, एक्वस सॉल्यूशन, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ. आफ्टर रिएक्शन इट विल फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3. यूजुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स इन सॉल्यूशन एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट्स बीइंग इनसॉल्युबल. एक प्रोडक्ट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म करना, या तो उसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PPT भी कहते हैं, और इट
सेपरेट्स एज अ सॉलिड, जो कौन से कैसे सेपरेट होता है, एज अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, कह सकते हैं, या उसे शॉर्ट फॉर्म में PPT भी कह सकते हैं। तो ये सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये दोनों ही एक दूसरे से अपना आयंस, यहाँ पर NO3 एंड क्लोरीन Cl, ये दोनों एक दूसरे से अपना जो जगह है, प्लेस है, वो एक्सचेंज कर रहा है, आयंस को एक्सचेंज कर रहा है। तो क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, ये Ag क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इट विल फॉर्म AgCl। और ये नाइट्रेट जो है सोडियम के साथ रिएक्ट होकर क्या फॉर्म हो रहा है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट या इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कौन फॉर्म हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में कौन आ रहा है स्टूडेंट, AgCl सिल्वर क्लोराइड। ओके, वैसे ही नेक्स्ट भी एग्जाम्पल सेम, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, जो किस में फॉर्म हो जा रहा है, प्रेसिपिटेट में। कौन क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, सॉलिड। सॉलिड मीन्स आफ्टर द प्रोडक्ट इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट, हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेट और PPT। और सोडियम किसके साथ फॉर्म रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ, मीन्स एक्सचेंज हो रहा है आयंस, तो क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, एक्वा है। एंड द लास्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कब होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन ऐड होता है, उस टाइम में भी हम सब्सटेंस को क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मीन्स ऑक्सीडेशन तभी होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म अ सब्सटेंस, इस दोनों कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, सपोज मैग्नेशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्टेंट में मेरा क्या है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम किसको ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, किसके साथ, ना ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड बाय गेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज्ड होके क्या फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कैसे ऑक्सीडाइज्ड किया, ऑक्सीजन को गेन कर, मीन्स मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड होके क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दैट मीन्स दिस इज द ऑक्सीडेशन। मेरा डेफिनेशन क्या है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, यहाँ पर सब्सटेंस कौन है स्टूडेंट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ कौन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, फॉर्म क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो when magnesium reacts with oxygen it forms magnesium oxide, that means magnesium is said to be oxidized by gaining oxygen. ab isme oxidizing agent kaun hai student, the substance which gives oxygen for oxidation is called an oxidizing agent. to yahan par oxidizing agent kaun ho gaya, oxygen ho gaya, clear। Now the next is reduction. The addition of hydrogen a substance is called reduction, and the removal of oxygen from a substance is also called reduction. अब reduction का क्या definition है? Reduction में क्या होता है? Addition of hydrogen and removal of oxygen. This is called the reduction. Example, zinc oxide reacts with oxygen, it will carbon, it will form zinc and carbon monoxide. This is the carbon monoxide. Carbon monoxide. Okay. Zinc oxide is reduced to zinc when zinc oxide reacts with carbon. जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस, जिंक ऑक्साइड में किसको रिड्यूस, कौन रिड्यूस हो रहा है, जिंक रिड्यूस हो रहा है, तब निकल जा रहा है, अलग हो जा रहा है। कब हो रहा है, जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो जिंक अलग हो जा रहा है और
कौन ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीजन कहाँ ऐड हो जा रहा है, कार्बन में जाके ऐड हो जा रहा है, मीन्स कार्बन खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है स्टूडेंट्स, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, कहाँ से रिमूव्स हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से रिमूव्स करके, बट इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाए उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कौन काम कर रहा है, कार्बन, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द नेक्स्ट अपडेट ऑफ वीडियो।